हूँ गल सीधी करनी है कि क्या मैं गल हूँ सीधी करी उन्होंने उन्हों का नाम क्या था उन्होंने सीधी गल करी हूँ कैमरे सामने समझ आ गई सनाउला सीधी बात सुनाओ सर मैं बिल्कुल जो कहानी है ना जी। वो कहानी सुनाओ सर मैं वही बता एक तुमने गुनाह किया औरत मारी अब मरी भी को तुम बदनाम कर रहे हो नहीं सर अब तुम सच्चाई को छुपा के ये समझ रहे हो कि मैं गैरत के नाम का कत्ल इसको कंसीडर करवाऊंगा कि मैं बहुत मासूम था मेरे पीछे औरत आ गई थी और ये काम मुझसे हो गया सनाउल्लाह बात सीधी करो सर मैं हकीकत बता रहा मैंने हकीकत नहीं जो हुआ वो कहानी सुनाओ जहाँ पे 40 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे औरत तुम्हारे पास क्यों आती है ये मुझे कहानी समझ नहीं आई कुड़ी नसाई सी तू बहन को भगाया था मैंने बहन थी मेरी वो नहीं लेडीज के पास मोबाइल अलाउ नहीं है आपकी फैमिली में लेडीज को भगाना अलाउ है किसी की बेटी को भगा लो ये अलाउ है फैमिली में अच्छा ये अलाउ नहीं है हुण गल सीधी करनी है ठीक है मैं गल हुण सीधी करी उन्होंने उन्हों का नाम क्या था उन्होंने सीधी गल करी हुण कैमरे सामने समझ आ गई सिफाक मुलजिम की जानिब चलते हैं और उससे बात करते हैं क्या नाम है सनाउल्लाह 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 ऊंची आवाज में बात करनी है जी कितनी उम्र है 23 साल 23 साल क्या करते हो मैं पल्लेदारी करता हूँ वो क्या होती है जो काम आलुओं का और सैलर सोलर में चावलों का चोने का ये काम करता हूँ ठीक है 27 साल उम्र बताइए नहीं 23 साल 23 साल उम्र बताइए कितने बहन भाई हो 5 किधर है बाकी वो शादीशुदा अपने घर वाले हैं अच्छा और अम्मी अबू अम्मी फौत हुई है पापा गए हैं साथ रहते जी आपके साथ रहते हैं जी ठीक हो गया सनाउल्लाह शादी बड़ों की मर्जी से हुई या अपनी मर्जी से हुई अपनी मर्जी से की है मैंने क्यों कि जब उन्होंने मुझे कहा था कि हम भाग चलें किन्होंने मेरी बीवी ने हुण गल सीधी करनी है कि क्या मैं गल हुण सीधी करी उन्होंने उन्हों का नाम क्या था उन्होंने सीधी गल करी हुण कैमरे सामने समझ आ गई किसने कहा था फिरदौस ने फिरदौस कौन है मेरी बीवी है बीवी है जी क्या कहा था उसने उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरी नशेई से शादी करना चाहते हैं हम भाग चलें अच्छा तुम्हारे पास कैसे आ गई तुम उसके क्या लगते थे कुछ भी नहीं कैसे आ गई सर हम एक जगह पर काम इकट्ठा करते थे कहाँ पे उनके गांव में काम इकट्ठा करने का क्या मतलब है अब वो काम करते थे हम भी उधर करते थे आगे कितने लोग और थे वहाँ पे तकरीबन 40-50 40 लोगों में से वो 39 लोगों के पास नहीं आई तुम्हारे पास आ गई जी क्या था तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फिर क्यों आई मुझसे उसने पूछा क्या कि आप क्या करते हैं या कितना क्या काम करते थे भाई आप लोग तो मैंने बता दिया कि हम ये पल्लेदारी करते हैं और 40-50 हज़ार का सीजन कमा लेते हैं और इसके बाद फिर हम सैलर में चले जाते हैं तो 40-50 ही उधर आ जाता महीने का तो उसने कहा ठीक है हम शादी कर लेंगे इस नशे से मेरी जान बच जाएगी सनाउल्लाह सीधी बात सुनाओ सर मैं बिल्कुल जो कहानी है ना जी। वो कहानी सुनाओ सर मैं वही बता एक तुमने गुनाह किया औरत मारी अब मरी भी को तुम बदनाम कर रहे हो नहीं सर अब तुम सच्चाई को छुपा के ये समझ रहे हो कि मैं गैरत के नाम का कत्ल इसको कंसीडर करवाऊंगा कि मैं बहुत मासूम था मेरे पीछे औरत आ गई थी और ये काम मुझसे हो गया सनाउल्लाह बात सीधी करो सर मैं हकीकत बता रहा मैंने हकीकत नहीं जो हुआ वो कहानी सुनाओ जहाँ पे 40 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे औरत तुम्हारे पास क्यों आती है ये मुझे कहानी समझ नहीं आई सर यही है जो मैं बता रहा हूँ ओ भाई 40 लोगों के पास क्यों नहीं गई कुल लाइने मारते थे तुम उसको जी हाँ जी तो फरमाओ ना तो यही ना जब फरमाओ ना क्या रिश्ता था तुम्हारा उस लड़की से कुछ भी नहीं था लेकिन फिर क्या था दोस्त बने दोस्त क्या होता है लड़की लड़का दोस्त समझ नहीं आती है मुझे तो उसने मोबाइल लड़की और लड़का दोस्त डेफिनेशन बता दो मुझे तो मोबाइल उसने मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ सबक बाद में सुनाना जो याद किया है तुमने जी लड़की और लड़का दोस्त जी कौन सा रिश्ता है बहन भाई का जी बहन थी तुम्हारी नहीं सर क्या थी वो अब तो मेरी बीवी थी उस टाइम क्या थी उस टाइम बहन ही थी कुड़ी नसाई सी तू बहन को भगाया था मैंने बहन थी मेरी वो
क्या लगती थी वो लड़का और लड़की की दोस्ती, ये क्या होता है, क्या होता है? सर मुझे नहीं, नहीं पता। अभी दो मिनट पहले तो तुमने मुझे बहन भाई बताया, बहन और भाई, लड़का लड़की की दोस्ती, नई तारीफ सुनी मैंने, ग्रामर का नया लफ्ज। फिर तुम्हारे पास आ गई वो? सर आधा सफर उसने किया था, आधा मैंने किया था। आधा सफर उसने किया, आधा तुमने किया जी। एक आशिक उधर है, एक माशूक इधर है जी। हाँ जी, यही किस्सा था ना जी, बिल्कुल। सेटिंग यही थी ना जी, आपस में गपशप होती थी जी। कहाँ पर? फोन पर। फोन पर? फोन कहाँ से आया? मैंने दिया था उसको। आपने उसको फोन दिया था? अपनी बाजी को। बाजी कह रहे हो ना तुम? लड़का लड़की की दोस्ती जो होती है वो बहन की होती है। बहन को आपने फोन दिया था, क्यों? क्यों दिया था बहन को फोन? सर के उसने कहा था कि मुझे फोन दे, मैंने आपसे। उसने कहा था मुझे फोन दे। फिर तो उसने कि हमने बात करनी है आपके साथ। आपने पूछा नहीं कि क्यों, क्या बात करनी है? जब उसने कहा था कि फोन दोगे तो फिर बात बताऊंगी। फिर आपने दे दिया? मैंने फोन दे दिया। ठीक हो गया तो। बहुत ज्यादा मासूम है आप। आपको कोई लड़की कहती है मुझे फोन दो, आप कहते हैं ठीक हो गया। फिर वो लड़की कहती है कि आप मुझे फोन देंगे तो मैं बताऊंगी, आप कहते हैं ठीक हो गया। मिलने शिलने चल रही है तुम्हारी पांच छह? नहीं सर। तो जो तुम फोन बांटते फिरते हो? हाँ नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तुम गरीब लोग हैं। गरीब लोग नहीं हो, गरीब नहीं हो, जालिम हो, बेहया हो, बेशरम हो। फोन दे दिया जी। फिर हमारी बात हो। पैकेज भी कराया था? वो मुझे मिस कॉल करती थी, मैं कॉल करता, दो तीन मिनट बात होती थी, जितना कुछ वक्त मिलता था। कितनी देर ये बातें हुई? दो तीन दिन हुई हैं। तीन दिन जी। फिर हम भाग गए। तीन दिन फोन पर लड़की से गप मारी है, चौथे दिन लड़की भगा ली? सर मुझे उसने खुद कहा था। चौथे दिन लड़की भगा ली? हम भाग गए। कहाँ? उधर आरफ वाली अदालत में जाकर निकाह किया। फिर? तो फिर एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको कॉल की कि मैंने आपके घर आना, लेकिन उसे मैं कोई बात नहीं बताई कि हमने ये काम किया और ये नहीं। जब उसके पास चले गए तो उसकी मम्मा को मैंने बताया था कि माँ मैंने ये काम किया, और उसकी मम्मा ने मुझे गाली तो दी, उसने कहा कि भाग जाओ, हम इधर नहीं रख सकते आपको। तो फिर उसने मुझे जगह किसी और के पास ले कर दिए सर, हम उधर रहें तो फिर वापस घर आ गए। फिर जब फिर हम हाई कोर्ट गए, उस सरफ ने मेरी सर के बयान दिए कि मैंने इसके साथ ही रहना, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो अदालत ने हमें इधर बुला लिया वापस, हम घर आ गए। उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो सर ये घर से भाग गई, उसके बाद क्या हुआ? जिंदगी गुजरने लग गई जी। अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? पहली बेटी थी वो फौत होगी। कितने माँ की? तकरीबन 11 माँ की होगी फौत हुई है। क्यों, क्या हुआ था? उसको बुखार हुआ था। अच्छा, फिर तो वो फौत होगी। और दूसरा बच्चा है वो कितना है? वो 6 माह का होगा। अच्छा, फिर तो अब वो इस बच्चा होने से पहले भी एक बार घर से भाग गई। मैंने जो सवाल किया है ना सनाउल्ला, मुझे उसका जवाब दो जी। उसके ऊपर कीचड़ तो तुम फुल उछालना जितना उछाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम तुम कातिल हो, इस टाइम तुम मुलजिम हो, इस टाइम तुम जमाने के सामने जाहिर है, तुम्हारी कहानी बयान हो रही है, इस टाइम तुम जितना कीचड़ उस पर उछालना चाहते हो उछालो, लेकिन जो कहानी है मुझे वो सवाल करने दो। सर पूछो, मैं बताऊंगा, जवाब दूंगा। आप जवाब नहीं देते ना, आप कहानी सुनाते हैं। कितने साल इकट्ठे जिंदगी गुजारी? हमने 2021 के रमजान शरीफ से 10 दिन पहले हमारा निकाह हुआ। 14 तारीख को रोजा था और हमने पहली के एकम को निकाह किया। कितने साल जिंदगी रही शादीशुदा? 2 साल थे कुछ महीने कम इकट्ठे रहे, 3 साल ही समझ लो। 3 साल जी। एक अल्लाह ने बच्चा दिया, वो प्यारा हो गया अल्लाह को। दूसरा अब तुम्हारा बेटा है जी। और अब वो किस हालत में थी? प्रेग्नेंट थी जी। प्रेग्नेंट थी। शुक्र है तुम्हें ये भी पता है। ये भी किसी और ने बताया था कि या खुद पता था तुम्हें? ये तो रात ही जो आया मेरे तो उन्होंने बताया, मुझे ये नहीं मालूम था। किसने पता रखना था? बीवी किसकी थी? मेरी थी। किसने पता करना था? मैंने। तो फिर क्यों नहीं किया? सर मुझे वक्त ही नहीं मिलता, जब मैं आता था वो सो रहे होते थे, मैं फिर चला जाता। तुम्हें वक्त ही नहीं मिला ये पता करने का कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं? मुझे उसने बताया ही नहीं था। उसने नहीं बताना था, तुमने रखना था ध्यान।
तुमने पता करना था कि मेरी बीवी किस हाल में है, उम्मीद से है या नहीं है, कोई मसला है या नहीं है, घर खाने के लिए है या नहीं है, ये पता आपने करना था। किसने करना था? मैंने। आपने करना था, पुलिस वाले ने नहीं करना था, मोहल्लेदार ने नहीं करना था, आपने करना था। आपने भगाई थी और भगाकर आपने निकाह किया था जी। आ रही है आपको समझ? जी बिल्कुल जी। जब आपको लड़की पसंद आई गई थी, गपे शपे आप मार ही रहे थे, तो फिर आपने प्रॉपर शादी क्यों नहीं की उससे, भगाया क्यों? भगाने का मकसद क्या होता है, पता है इस बात का? नहीं सर। नहीं पता? तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता, काम तुमने सारे डाल दिए। लड़की भगा ली, लड़की से सेटिंग कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उस बीवी को 3 साल के बाद कत्ल भी कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं है।